क्या आपको यह चेहरा याद है? इन्होंने अक्षय, सलमान और गोविंदा जैसे एक्टर्स के साथ काम कर चुकी है। अगर आपने याद कर लिया तो आपको पता होगा कि इनका नाम आरती छाबड़िया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनको एक शूटिंग के दौरान अपने ही एक को-एक्ट्रेस से मार खानी पड़ी? और उनके लाइफ काफी वर्सेटाइल भी है। आइए आज इनके पूरे लाइफ स्टोरी जानते हैं। असल में 3 साल के उम्र से की आरती के एक्टिंग करियर शुरू हो गई थी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। उसके बाद मॉडलिंग के करियर आगे बढ़ी। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, ऋतिक रोशन जैसे बड़े स्टार के साथ इन्हें एड में एक्टिंग करते हुए देखा गया था। 1999 में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने के बाद उन्हें सुखविंदर सिंह, एरी आनंद और आदनान स्वामी जैसे सिंगर के साथ म्यूजिक वीडियो में देखा गया। 2001 में पहली बार आरती को लज्जा माम की मूवी में देखा गया था। आरती के डेब्यू की इसी मूवी, जो कि राजकुमार संतोषी द्वारा डायरेक्टेड थी और बहुत सारे स्टार पैक था, मतलब इसमें रेखा, माधुरी, मनीषा कोइराला, मोहिमा चौधरी, अनिल कपूर, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ को लेके बहुत सारे सितारे मौजूद थे। लेकिन इसी मूवी के एक सीन में हम देखते हैं कि रेखा ने बार बार आरती को स्लैपिंग की। सुनने को आता है कि इस सीन के बारे में आरती को तो पता ही नहीं था और स्लैपिंग के बाद वो बहुत ही शॉक्ड हो जाती हैं और फिल्म शूटिंग के दौरान रोने भी लगती हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म लज्जा के सेट पर रेखा ने उन्हें थप्पड़ मारा था। जी हाँ। इसके बाद मैं सबने मिलके उनको शांत करते हैं। हो सकता है कि यह शूटिंग के एक तरीका था सीन को रियल लुकिंग बनाने के लिए, और यह भी हो सकता है कि आरती हिंसा के शिकार थे। सही में क्या हुआ था यह तो किसी को पता नहीं चला। फिर आरती को हम देखते हैं 2002 में तुमसे अच्छा कौन है और आवारा पागल दीवाना मूवी में। 2003 में गोविंदा के साथ राजा भैया मूवी में भी आरती को देखा जाता है, जो मूवी तो फ्लॉप ही थी। हिंदी मूवी में ज्यादा सफल न होने के बाद उन्होंने पंजाबी, मलयालम और तेलुगु मूवी में भी एक्टिंग की। साथ ही मैं बहुत सारे बॉलीवुड मूवी में भी छोटा मोटा रोल कर रही थी। इसके बाद आरती ने 2011 में एक टीवी रियलिटी शो जीते हैं। 2013 में और एक डांस रियलिटी शो में भी पार्टिसिपेट करते हैं। इतने एफर्ट के बाद भी उन्हें ठीक ठाक से सक्सेस मिला नहीं था, तो आरती ने एक फिल्म मेकिंग का कोर्स किया। वो एक प्रोडक्शन हाउस भी खोले हैं अपने नाम से। 2017 में एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट और प्रोड्यूस करती है आरती ने, जो डिफरेंट फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया था और क्रिटिक्स को भी पसंद आया था। पर्सनल लाइफ में आरती ने ऑस्ट्रेलियन चार्टर्ड अकाउंटेंट विशारद बीडासी से शादी की थी 2019 में। हाल ही में कपल को एक बेटा भी प्राप्त हुआ है। उनके यूट्यूब चैनल में उन्हें और एक साइड देखने को मिलता है, जहां वो लाइफस्टाइल, आध्यात्मिकता, स्वास्थ्य और धन के बारे में चर्चा करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। इंस्टाग्राम में उनके 9 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं।